जय माता जी की। आज हम बनाएंगे ग्रीन मसाले के अंदर छोले। तो आप देख सकते हो हमने छोले ले लिए, रात को ये छोले भिगा दिए थे, 8 घंटा भिग चुके हैं, सुबह हो चुकी है। ये पानी ट्रांसफ़र कर देंगे, दूसरा पानी ले लेंगे और छोले को 5 सीटी से बॉईल कर लेंगे। छोले हमारी 5 सीटी लगा दी, 1 चम्मच नमक डाल के छोले अच्छे से पक के रेडी हो चुके हैं। देखिए हमने धनिया लिया है, पालक लिया है, 2 मिर्ची ये तीखी वाली वो क्रश होंगे, और ये देखिए इसमें भी 1 गांठ लहसुन है, 1 टमाटर है, अदरक का टुकड़ा है, प्याज से और थोड़े से 2-4 मिर्ची है। 1 पीठ इसकी बनेगी, 1 पीठ उसकी बनेगी, बाटे बनाते हैं। सब्जी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है, ग्रीन ग्रेवी हो चुकी है और प्याज अदरक लहसुन वाली भी बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। थोड़े से हरी मिर्ची है, आधी लेंगे हम, ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 चम्मच लेंगे। धनिया है और छोले भी आप देख सकते हो हमने अच्छे से 5 सीटी के अंदर रेडी हो चुके थे। कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच तेल डाला है, 1 चम्मच घी डालेंगे, 1 चम्मच घी डाला है। छोले के अंदर जो पानी है वो ले लेंगे उपयोग के अंदर, हम दूसरा पानी का उपयोग नहीं करेंगे। घी और तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम 1/2 चम्मच जीरा डाल रहे हैं। जीरा डालने के बाद हींग डालेंगे। देखिए हमने कोई गरम मसाला का उपयोग नहीं किया है, बहुत ही बढ़िया डिश बनेगी, बहुत बढ़िया ये छोले लगेंगे। ठंडी की मौसम में अच्छे अच्छे हरी साग बची आती है, एक बार ज़रूर से ट्राई करना। हमारी अच्छे से पक गई है, ग्रेवी डाल देंगे, प्याज लहसुन अदरक ग्रेवी अच्छे से पका लेंगे। तेल और घी छूट गया है, ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब डालेंगे हरी ग्रेवी, हरी ग्रेवी डालने के बाद साथ में मसाला कर लेंगे, नमक डालेंगे, नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने जब छोले उबाल रहे थे तब डाला था। थोड़ा सी हल्दी, 1 चम्मच धनिया जीरा से मिलाना है। इसके अंदर लाल मिर्ची का उपयोग नहीं होगा। ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे 4-5 मिनट तक। हमारी ग्रेवी अच्छे से पक के रेडी हो चुकी है और हम डाल देंगे छोले। ये पानी के साथ छोले डालना है हमें। छोले डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे। पूरा पानी जल जाए तब तक हम छोले को उबलने देंगे। पानी पूरा जल चुका है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। गैस को बंद करेंगे और सब्जी को बहुत ही बढ़िया बन गई है, सर्व करेंगे। एक प्लेट लिया है, प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। मित्रों आपने कभी भी नहीं बनाई थी ऐसी सब्जी, एक बार जरूर ट्राई करना, बड़े को बच्चों को सबको पसंद आएगा। एकदम रोटी के साथ खाओ या पूरी के साथ खाओ, बहुत ही बढ़िया लगेगी। हमने हमारे लिए भी डिश सजा दिया है, भाखरी लिया है, गुट लिया है, मक्खन मसाला मक्खन है और छोले है। ये छोले जो थे वही है लेकिन लहसुन की चटनी है घी वाली। मित्रों हमारा खाना तो रेडी हो चुका है, हमारा खाना अच्छा लग गया हो, हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ज़रूर से बनाना, हम रोज़ रोज़ आपके लिए नए नए डिश लेके आएंगे। ओके बाय बाय।